अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का। साल हो गए, न जाने तुम कहाँ चले गए। वापस लौटाओ सुनील, जहाँ भी हो वापस लौटाओ। हे वार्डन, सबसे पहले इस लौंडे की थाली भर दे तू। खाना खाने के बाद इसको मेरी मालिश करनी है। जी साहब। क्या बे लौंडे, जम के खाना खा। हाँ, और फटाफट आ जा मेरे कमरे में। हाँ, यहाँ राजा जा। जेलर साहब, कानून आप ही ने बनाई है। लाइन में सबसे आगे जो खड़ा है, खाना पहले उसी को मिलेगा। और आज लाइन में सबसे पहले मैं खड़ा हूं। साले मुझसे जवान लड़ाता है, मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत है तुझमें? ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका सर इसी तरह मेरे कदमों में पड़ा मिलेगा। सुन लिया तुम लोगों ने? मारते मारते थक जाओगे, लेकिन मैं मार खाते खाते थकूंगा नहीं। जब तक इन पैरों में खड़े होने की ताकत है, मैं इसी तरह खड़ा होता रहूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे थाली भरने से रोक नहीं सकती। कैदी नंबर 212 तुम्हें रिहा किया जाता है। तुम्हें जेलर साहब के दफ्तर में बुलाया गया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना, क्यों इस छोकरी की माँ बाप यूं करता रहता है। सेठ, अपन का तो दो ही हाथ है, 10-12 छोकरा लोग का काम अपन अकेला कैसे कर सकता है? काम कर, साला धंधे के टाइम पे छोकरे लोग गुटली मारता है। अबे गोदी से वो कुली लोग छूट के आएगा तो उसको कौन संभालेगा? मेरा बाप। बोलो बोलो, जवाब दो। मैं संभालूंगा सेठ। कौन है बे? नौकरी मिलेगी। मिलेगी? अरे मिल गई समझो। लो लो झाड़ू और चमका दो होटल को। लेकिन पगार? पेट भर के खाना और जेब भर के पैसा मिलेगा। भाई डबल हाफ फ्राई कहाँ गया? समझ गया नाश्ता चाहिए ना? हाँ मिल जाएगा। अरे पहलवान जल्दी कर, क्या करता है? नाश्ता दे, जल्दी नाश्ता दे। हुआ हुआ। अबे अंधा है क्या? देखिए देखिए, गलती मेरी नहीं है, उनका हाथ अचानक ट्रे से लग गया और फिर लाइए सर, मैं साफ किए देता हूँ। हाथ मत लगाना। इस कोट की कीमत जानता है? सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ता रहेगा, फिर भी इतना ना कमा पाएगा कि इस कोट की सलाई तक दे सके। साला, मुझे नहीं मालूम था आपको जबान चलाने के लिए 4 हाथों की जरूरत पड़ती है। नहीं तो क्या कर लेगा तू? अपने आदमियों से कह दो हाथ छोड़ दे, फिर देखना। छोड़ दो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। चाय बाय पी के जाइए। नो नो नो, थैंक यू। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा तूने? हाथ लगा कर देख, चला कर राख कर दूंगा। ये मेरा पता है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो ठीक 4 बजे आ जाना, सारी गर्मी ठंडी कर दूंगा। घड़ी बार बार देखते रहना सेठ, कहीं मेरे डर से तेरी घड़ी ना बंद पड़ जाए। अबे तू यहाँ नौकरी करने आया है कि दादागिरी? ना ना, चला जा यहाँ से, चला जा। है ना ना, तेरे कदम यहाँ 10 मिनट भी टिकेंगे तो ये होटल जल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बाप, यहाँ से चला जा। मेरे पैसे सेठ। ये तेरे पैसे। बात जेब भर पैसे की हुई थी सेठ। इंस्पेक्टर साहब। यस बोलो, क्या बात है? ओह थैंक यू वेरी मच। आपका पर्स ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं हराम के पैसे लेता नहीं और हलाल के छोड़ता नहीं। Keep it up. पैकिंग अच्छी करना। जी साहब। तुम घड़ी देख लो सेठ, मैं वक्त से पहले आ गया। गलती कर गए बेटे जो शेर की गुफा में घुसा है। चूहे की मौत मरोगे। शेर की गुफा में चूहा नहीं बब्बर शेर आता है। खबरदार, जब तक हम दोनों का फैसला ना हो जाए कोई बीच में नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आप मारते मारते थक जाओगे लेकिन मैं मार खाते खाते थकूंगा नहीं। मैं तब तक नहीं थकता जब तक मेरा दुश्मन थक नहीं जाता। जैसे आप थक गए। अब मेरी बारी। मिलाओ हाथ। वाकई तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या काम करते हो? जो काम करता था सुबह आप ही की वजह से चला गया। अब सिर्फ नौकरी की तलाश है। क्या काम कर सकते हो? वो काम जो कोई न कर सके। आओ मेरे साथ। इस गाड़ी को बाइकिला के फ्रांसिस के गैरेज में पहुंचा दो। चाबी? हमारे धंधे में ताला चाबी से नहीं अकल से खुलता है। ट्राई करो। हुआ हेलो कृष्णा, जिस तरह आप हमें एक बात बताना भूल गए उसी तरह हम भी आपको एक बात बताना भूल गए। जिस कार की गोद में आप सवार हैं वो कार चोरी की है। झटका मत खाइए कृष्णा साहब, क्योंकि अभी आपको आगे बहुत झटके खाने हैं। आपको जरा सी तकलीफ तो जरूर होगी। जरा अपनी गाड़ी की पिछली सीट के नीचे देखिए। ये आदमी हमारी खबरें पुलिस तक पहुंचाता था, इसलिए हमने इसकी खबर ले ली। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस मर्डर की खबर पुलिस को लग गई। जरा अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखिए, एक पुलिस की जीप आपके पीछे लगी हुई। के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये कत्ल मैंने किया ही नहीं। साला राजा साहब से पंगा लेने चला और अपनी किस्मत पर रो रहा होगा साला, सोचता होगा ये गलती मैंने क्यों की, राजा साहब से पंगा मैंने क्यों लिया। हुआ हुआ मैं जानता हूं मुझे आपकी नौकरी मिल गई है। और साथ में ये फ्लैट भी, आज से ये फ्लैट तुम्हारा है। हुआ, जरा अपना ये हुलिया भी बदल लेना। कल जब सामने आऊंगा आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। गुड लक। राजा साहब ये आदमी है कि कुछ और है? हीरा है जो मेरी किस्मत को चमका देगा, मुझे उस बुलंदी पर पहुंचा देगा जहां पर पहुंचने का ख्वाब मैं हमेशा देखा करता था। हुआ, देखिए आप इत्मीनान रखिए, नेताजी बिल्कुल ठीक ठाक है। हाउस द मिनिस्टर, ही इज आउट ऑफ डेंजर सर। ये सब हुआ कैसे? सर मिनिस्टर साहब की गाड़ी वीपी रोड से जा रही थी कि अचानक एक बिल्डिंग के कंपाउंड से एक मोटरसाइकिल तेजी से निकली और मिनिस्टर साहब की कार के सामने आके रुक गई। उस पर सिर्फ एक आदमी सवार था। फिर क्या हुआ? सर इससे पहले के कमांडोज को एक्शन ले सके उस आदमी ने धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। दोनों कमांडोज स्पॉट पर ही मर गए सर। ये तो शुक्र है कि मिनिस्टर साहब के कंधे पर ही गोली लगी। वो आदमी पकड़ा गया? जी नहीं सर, वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। लेकिन सर हमने शहर के हर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। कातिल बचकर नहीं जा सकता सर। तुम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नजर रखो और देखो जिस पर भी शक हो उसे गिरफ्तार कर लो। राइट सर। ये सच है कि जब जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे ऐसी मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। ईसा मसीह के जिस्म में तो जीते जी कीलें गाड़ दी गई थीं, लेकिन आखिर में क्या हुआ? जीत किसकी हुई? सच्चाई की। यही जवाब है मेरा उन सब के लिए जिन्होंने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि इस प्रांत को चलाने वाला मैं नहीं अंडरवर्ल्ड है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर अंडरवर्ल्ड मेरे साथ मिलकर हुकूमत कर रहा था तो फिर उसे मुझे रास्ते से हटाने की क्या जरूरत थी? मुझ पर गोली चलाने की क्या जरूरत थी? वो डॉन, वो भाई, वो गुंडे मेरे दोस्त नहीं, मेरे दुश्मन हैं, आवाम के दुश्मन हैं। टीवी के सामने बैठे वो डॉन, वो भाई, वो गुंडे भी मेरी आवाज और मेरे ऐलान को सुन रहे होंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद। अच्छा बोलता है। गुड स्पीकिंग। अबे वो फोकट। एक मिनट दादा, आमार नाम पोपट है, फोकट क्यों बोलता है? अबे साले तो फोकट में भी महंगा है। की बोलछिन दादा, आमी तुम्हारे भालोबासी। आओ राघो, आओ आसुन राघो दा। नमस्कार दादा। ये ले तेरी कीमत, तूने गोली बराबर निशाने पर मारी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई भाई, जब मैं गोली उस मिनिस्टर के सीने के आर पार कर सकता था तो फिर आपने निशाना उसके कंधे पर लगाने के लिए क्यों कहा? तू उसके सीने में गोली मार देता, वो मर जाता, अमर हो जाता, हमारे किस काम आता? कंधे में गोली लगने से उसके दिल में मौत का डर पैदा हो गया है। धीरे धीरे हमारे सामने वो घुटने टेक देगा। दुनिया के लिए मिनिस्टर वो होगा, लेकिन हुकूमत हम करेंगे। हवलदार, वो डिक्की चेक करो। ए, गाड़ी खोल। उस गाड़ी को भी देखो। ये गाड़ी क्या है? तुम इधर जाओ। ये डिक्की खोल। अरे वो गाड़ी किधर जा रही है? उसे रोको, देखो। अरे रोज चार नाटक आ रहे थे, कहाँ है? चेक करो। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। ओह तुम, क्या बात है? लगता है इस बार पर्स मिला पर वापस लौटाया नहीं। कहिए, क्यों रोका आपने मुझे? मेरी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज थी क्या? गाड़ी की तो नहीं, लेकिन तुम्हारी रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। सुबह जीरो थे और शाम को हीरो हो गए। वेटर से लेकर चमकती कार के मालिक बनने का सफर बहुत जल्दी ही तय कर लिया तुमने। जिनके इरादे बुलंद होते हैं इंस्पेक्टर, वो आसमान को भी जमीन पर उतार लाते हैं। आसमान की तरफ देखकर चलने वालों को अक्सर मैंने ठोकर खाकर गिरते देखा है। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। वो तिफ में क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अच्छा शेर है। अपनी टेल लाइट ऑन कर लो, वरना किसी दिन कोई पीछे से ठोक देगा, समझे? थैंक यू। कर देना। जी साहब। सुनील, हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते, और आज इतने मुश्किलों के बाद मिले तो तुम मुंह फेर कर चले जा रहे हो। अब मुझसे? मैं तुम ही से कह रही हूँ। देखिए मिस। सुनील, क्यों तुम? मैं तुम्हारी रश्मि हूँ सुनील। रश्मि! अरे सुनील तुम? देखो ना, न जाने क्यों ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। ओ हीरो, ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, बहुत तड़पा लिया बेचारी को, अब बहुत हो चुका। हाँ, क्या तमाशा है ये? आप लोग खामखा मेरे गले पड़ रहे हैं। गले हम नहीं, तुम पड़े थे। भूल गए हो राजस्थान का मेला, जहाँ तुमने रश्मि के साथ गाना गाया था? गाना? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम सुनील नहीं, कृष्णा है। अगर तुम मेरे सुनील नहीं हो तो दिखाओ अपना हाथ जिस पर तुमने मेरा नाम गुदवाया था। बाया नहीं, दाया हाथ। आई एम सॉरी, वाकई आप मेरे सुनील नहीं हैं, क्योंकि मेरा सुनील अपना हाथ कटवा देता, अपने जिस्म को मिटा देता, लेकिन अपने हाथ से मेरा नाम कभी नहीं मिटने देता। माफ कीजिए। ये झांझरिया? है तो ये 300 रुपए को, लेकिन आप इसे खरीद को नहीं सको। क्यों? क्योंकि इसे कोई पहले ही खरीद चुका है। लीजिए। अच्छा, ये तो वही झांझरिया है। ये तो मामूली झांझर है। जरा क्या कहते देखो, चांद को भी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तुम्हारा आशिक पायलट। किसने दिया तुम्हें? नहीं है, बताओ ना कहाँ है वो? खुद ही चलाएगा। सरक गई मेरी नजर, तुझसे मिली तो उसकी नजर, शर्मा के झुक गई झांझरिया, उसकी छनक गई चुनरी भी, सर से सरक गई मेरी नजर, तुझसे मिली तो उसकी नजर, शर्मा के झुक गई झांझरिया। Sunil, come on, we are getting late. 2 minutes, sir, please. वो आती ही होगी। बहुत देर कर दी। भगवान से बातें कर रही थी, बातें थोड़ी लंबी हो गई। क्या मांगा? तुम्हारी खुशी। और अपने लिए? तुम्हारी खुशी ही तो मेरी खुशी है। गुड, आई लाइक इट। तुम्हारे लिए। थैंक्स। पायलट बनकर लौटूंगा, जैकेट में लगा देना। सुनील, हरी अप। आया सर। रश्मि, चलता हूँ। बाय। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय रश्मि। कृष्णा, जो शख्स अभी हमें मिलेगा वो तो ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह है। लोग उसे भाऊ के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका असली नाम है भुजंगराव। ये ले जरा कोटा, माल निकल और चल पड़। आज 1 किलो नहीं, 10 किलो चाहिए। भाई पैसे भी लेकर आया हूँ। माल की डिमांड बढ़ रही है और फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना तो हर आदमी चाहता है। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। साला 50 ग्राम में धंधा चालू किया, अब सीधा 10 किलो पे उड़ी मारने को मांगता है। नहीं, लेकिन दोष तेरा नहीं है। नहीं, दोष तेरा नहीं है, दोष इस शहर का है। वैसे तो ये शहर सिर्फ नाम के वास्ते शहर है, पर है ये जंगल। यहाँ तो हर जानवर एक दूसरे को मार के जिंदा रहता है। दस्तूर है यहां का, खुद को बड़ा बनाने का है, दूसरे को छोटा कर दो बेरी जी। तू किसको छोटा करने को मांगता है? मेरे को? मेरे को? ये जरूरी नहीं है कि किसी को छोटा करके ही बड़ा बना जा सकता है। अरे और कोई रास्ता भी तो नहीं है? अगर है तो बताओ मेरे को, समझा मेरे को। आजा समझा। यह एक लाइन है। आ है? मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा और इससे बड़ा बन जाऊंगा। ऐसे हो गया ना बड़ा देवा रे देवा, तू तो बड़ा होशियार छोकरा है, खूब चतुर है, दम है इसमें, तू बड़ा बन सकता है, बन सकता है बड़ा, पर इसके साथ रह के अरे इसके माँ बाप ने तो गलती से इसका नाम राजा रख दिया है, वरना भिखारी रखना मांगता था सारे का नाम। गुस्सा है तेरे को? गुस्सा आया? क्या करेगा रे तू? हैं? क्या करेगा? मारेगा मेरे को? हैं? मारेगा? अरे मार ना, मार 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 दूसरा से मार 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 बड़ा बनेगा ना तेरे को? बनेगा ना? बन सकता है, बन सकता है बड़ा तू, ये सब तेरा हो सकता है, सब। इसके वास्ते तेरे को एक खेल खेलना पड़ेगा। खेल? हाँ खेल। वेरीज वेरीज, मैं ऐसे हाथ फैलाऊंगा, हाँ ऐसे हाथ, उसके ऊपर तू ऐसे मारेगा, हाँ चल पहला चांस तेरा, मारा सब पैकेट तेरे, ठीक? चल, ए उधर क्या देखता है, इधर देखना, आगे चल पहला चांस तेरा, हाँ मैं ऐसे हाथ करता हूँ तू मारेगा, हाँ मार 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 मार, एक 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 दो 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 दो, साला चुप गया, नहीं मारा। अब तेरे को पेनल्टी भरना पड़ेगा, हाँ पेनल्टी। वेरी जी खिल्ला मार के खड़ा रहे, उधर ही खेलने का नहीं, खेलने का नहीं, ये हम दोनों के बीच का खेल है। अब मैं मारेगा, मेरा चांस है, हाथ फैला फैला ना, अब मैं मारूंगा, मारा ही नहीं तूने, हाथ हटा दिया, फिर पेनल्टी। ए राजा तेरी हालत तो साला भिखारी से भी खराब हो गई रे, हाथ फैला कर भीख भी नहीं मांग सकता। अरे बड़ा बनने का है तो हाथ बड़ा करने को सीख, फिर मेरे पास आ जा भीख मांगने, 10 किलो मांगता है, चल। ए क्या सोच रहे हैं आप? बिना खुद कुछ खोए मैं सब कुछ पाना चाहता हूं, मुझे उस भुजंगराव की कुर्सी चाहिए। हाँ मिल जाएगी, लेकिन पहले जरूरी है कि हर वो जख्म जो भुजंगराव ने आपके हाथों में दी है उसका हिसाब करना। मैं आपसे वादा करता हूं राजा साहब, हर जख्म का हिसाब सूद समेत मैं भुजंगराव को वापस करूंगा। हेलो राजा साहब, आपके लिए फोन है। हेलो, सफेद घोड़ा आया है, चाहिए क्या? कौन बोल रहा है? तुम सिर्फ घोड़े की सवारी करो सेठ, धंधे पे काहे को गुस्सा है? कितना माल है? 10 पैकेट। कब मिलेगा? अगले मंडे। रखता हूँ। कृष्णा, जानते हो किसका फोन आया? जानता हूं, पहले आप हाथ तुड़वा के आए, अब टांग तुड़वाने जा रहे हैं। क्या मतलब? राजा साहब, जब ताश की गड्डी में 4 इक्कों की जगह 5वां इक्का आ जाए तो समझ लो कि सामने जरूर कोई गड़बड़ है। बेहतर है कि आप फोन वाली बात भूल जाएं। कृष्णा, तुम इस खेल में नए हो और मैं ये खेल अपनी मां की कोख से ही खेलता आ रहा हूं। ये फोन नहीं था बल्कि एक पैगाम था। अब भिखारी के दिन खत्म हुए हैं। सफेद घोड़ा। तबेला ठीक है, आओ बैठो। माल कहाँ है? पहले पैसे निकालो। मैं पहले माल लेता हूँ फिर पैसे देता हूँ। और मैं पहले पैसे लेता हूँ। हम पैसे भी ले लेते हैं और माल भी नहीं देते। हुआ हुआ। पैसे कहाँ हैं? तू शेर, वो सवा शेर। पता नहीं तो तेरा भेजा उड़ाऊंगा। साहेब तुम्ही नाही ते केस वाले साहेब? साहेब तुम्ही माझा बॅग घेऊन आले आणि मी तुमचं। माझा बॅग कुठे आहे? त्याचा सर्व इम्पॉर्टंट इकडे आहे। माझा सर्व इम्पॉर्टंट पेपर याचाच आहे साहेब। इन्कम टॅक्सनी माझं बायको घर सर्व अटॅच केले। थँक्यू मी तुमचा आभारी आहे। चालतो साहेब, तुमच्याकडे कणी असणार काय? गेट आउट गेट आउट। अच्छा साहेब थँक्यू मी चालतो। बॅग कॉल हुआ। माल भी नहीं दिया और उसकी दाल भी छीन लाए। शाबाश पांडव शाबाश। देख वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, तुम लोग उस पैसों से ऐश करो। थैंक यू भाई थैंक यू। भगवान आपको लंबी जिंदगी दे। रखता हूँ भाई। मगर तेरी जिंदगी का क्या होगा पांडू? अबे ओ भाई के ढाई, मैं अपनी दाल और तेरा माल लेने आया हूँ। अच्छा तो आजा जरा दाल में तड़का तो ले ले। तड़का नहीं, आजकल दाल में भड़का चलता है। बदतमीजी करेंगे तो अच्छा सजेशन है, बोल। इधर से उधर वॉकिंग करने से फायदा नहीं। एक्सेप्टिंग कॉल लीजिए कि नहले को दोहला मिल गया है। राजा का पैसा लूट के आप उसको डिस्ट्रॉइंग करना चाहते थे, वो आपका माल लूट के आपको डिस्ट्रॉइंग कर दिया। ये काम राजा ने नहीं कृष्णा ने किया है। तो कृष्णा से फौरन शेक हैंडिंग कॉल लीजिए। अरे जब उससे कौनस नहीं जीत पाया तो आप कैसे जीत पाएंगे? अबे ओए, ये कृष्णा कोई भगवान नहीं, एक मामूली इंसान है। अगर दोबारा मेरे सामने आया ना तो चींटी की तरह मसल के रख दूंगा उसे, चींटी की तरह। इस साला ये कौन आया रे? उड़ी बाबा। देख फुकट, ये साला तो सीधे मौत के मुंह में आ रहा है। अरे अरे तुम आगे मिस्टेकिंग कर रहा है, वो मौत के मुंह में नहीं खुद मौत बन के आ रहा है। तो मैं भुजंगराव, बेईमानी की इस दुनिया में भी ईमानदारी के कुछ असूल होते हैं, लेकिन तुमने उन असूलों को तोड़कर राजा साहब का पैसा लूटने की कोशिश की। लेकिन हम तुम्हारे बाप निकले, पैसे के साथ साथ तुम्हारा माल भी लूट कर ले आए। ये सब मैं तुम्हें लौटाने आया हूं। भुजंगराव, ये सांप तेरा हो सकता है, लेकिन इसके वास्ते तेरे को एक खेल खेलना पड़ेगा। खेल? हाँ, वही खेल जो तू बचपन से हर रोज खेलता आया है। तू जीता तो ये सारे पैकेज तेरे। चल चल चल, पहला तेरा चांस है। चल मार मार, अरे मार ना। चूक गया ना, अब तुझे पेनल्टी भरना पड़ेगा। हाँ, ऐसा उधर एक चिल्ला मार के खड़ा रहने का। यह अब उन दोनों के बीच का खेल है। आदड़ा, चल उठ उठ, चल उठ उठ उठ। आजा आजा आजा, अब मेरा चांस है। हे भुजंग, तेरी हालत तो भिखारी से भी खराब हो गया रे। हाथ फैलाकर भीख भी नहीं मांग सकता। तूने ही कहा था ना, बड़ा होने के वास्ते हाथ बड़ा करना सीख। देख देख सकता है तू, मेरे हाथ कितने बड़े हो गए। देख देख हुआ, देख भुजंग, ये बड़े हाथ तेरे झोली में भीख डाल के जा रहे भुजंग। और मस्त 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 तू है मस्ती, हाय सेक्सी। ए मिस्टर, आप यहाँ से उठते हैं या मैं होटल के मालिक को बुलाऊं? मालिक तो क्या, मैं तो नौकर भी बन जाऊं जाने मन। बस एक बार मुझे इन खूबसूरत होठों की शराब पीने दे। अरे कहाँ तक लगोगे मस्ती? आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। छोड़ दो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। आज छोड़ दो, तेरे होठों की शराब पी के रहूंगा। छोड़ो मुझे। तूने मुझे मारा? अभी तो सिर्फ मारा है, दोबारा इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगा। क्यों मारा आपने उसे? कौन है आप मेरे? अगर उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो आपको क्यों बुरा लगा? ये जिस्म मेरा है, ये होठ मेरे हैं, इन होठों की शराब भी मेरी है और मैं अपनी होठों की शराब जिसे भी पिलाना चाहूं मैं पिला सकती हूं। आप कौन होते हैं मेरी जाति मामले में दखल देने वाले? हाँ, अगर आप मेरे सुनील होते तो आपको यह हक जरूर होता, लेकिन आप मेरे कोई नहीं है। निकल जाओ यहां से। अशोक गेट आउट। सुनील, तुम कहते क्यों नहीं कि तुम ही मेरे सुनील हो? साहब, आपके लिए कोई ये पैकेट छोड़ के गया है। रख दो। तेरे को सीने पे गोली चलाने का बहुत शौक है ना? यह माल उठा ले और तेरी इस बंदूक में जितना भी बारूद है उगल दे उसे कृष्णा के सीने में। भाई, समझो काम हो गया। तो मेरे सुनील होके नहीं। रश्मि, खत्म कर डालो इस लड़की को भी। रश्मि, रुको रश्मि। रश्मि, पहले बताओ कि तुम मेरे सुनील होके नहीं। तो मेरे सुनील हो। रश्मि, मेरी बात सुनो। रश्मि, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रश्मि, वो लोग तुम्हें मार देंगे। रश्मि, अंडरस्टैंड। रश्मि तो रश्मि, रश्मि दरवाजा खोलो, रश्मि दरवाजा खोलो। कहो कि तुम मेरे सुनील हो कि नहीं। मैं तुम्हारा सुनील नहीं हूँ रश्मि। रश्मि, रश्मि पागल मत बनो। रश्मि, रश्मि कम इन, डैम इट, कम इन। मैं ही तुम्हारा सुनील हूँ। सुना तुमने, मैं ही तुम्हारा सुनील हूँ रश्मि। रश्मि, ना ही मैं बेवफा था, ना ही मेरी मोहब्बत। अगर बेवफा था तो सिर्फ मेरा वक्त। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी आखिरी टेस्ट फ्लाइट के लिए जा रहा था। सुनील सर, एयरक्राफ्ट को 270 डिग्री हेडिंग पर ले चलो। लेकिन हमारा ट्रैक तो 195 है सर। आई नो बट जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ये रूट तो बॉर्डर की ओर जाता है सर। डोंट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। सर फाइनल टेस्ट के बहाने मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे गलत जगह पर लैंड करने को कहा। लैंड हियर। अचानक कुछ गाड़ी हमारे प्लेन के करीब आई। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये सारा मशीन स्मगलिंग के लिए है। मैंने जब बगावत की तो मुझे धोखे से मारकर बेहोश कर दिया गया। इंस्ट्रक्टर कमांडो पुलिस की गोलियों से बचता हुआ प्लेन के करीब आ रहा है। मैंने पूरी ताकत से उसके नापाक इरादों को नाकामयाब करने की कोशिश की। अचानक मेरे इंस्ट्रक्टर को गोली लगी। मैंने मुड़कर देखा तो सफेद गाड़ी में भागता हुआ हत्यारा नजर आया। इससे पहले कि मैं अपने आप पर काबू पा सकूं, पुलिस ने आकर मुझे घेर लिया। वो मुझे भी स्मगलर समझ बैठे। मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन सबूत न होने के कारण मुझे 7 साल की सजा हो गई। जेल में अचानक मुझसे कहा गया कि कोई कानून का रखवाला मुझसे मिलने आया है। मेरा नाम डीसीपी खन्ना है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेलूंगा। मौत से साला कौन डरता है, डर तो जिंदगी से लगने लगा है। आओ मेरे साथ, तुम्हें जिंदगी से भी प्यार होने लगेगा। हमेशा की तरह वक्त से पहले मंत्री जी यहां। डीसीपी ने तुम्हारी फाइल मुझे दिखाई है सुनील, और मैंने उसमें वो भी पढ़ लिया है जो उसमें नहीं लिखा हुआ था। तुम वक्त की बिसात पर बिछाए हुए ऐसे मोहरे हो जिसने खुद कोई चाल भी नहीं चली और मात खा गया। मेरा यकीन कहता है कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन मेरे बेगुनाह मान लेने से इस देश का कानून तुम्हें बेगुनाह नहीं मानता। इसलिए तुम्हें जेल की सलाखों से बाहर निकलकर अपने माथे पर लगे हुए इस कलंक को मिटाना होगा। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम पर यह एहसान क्यों कर रहा हूं? पॉलिटिशियन कभी किसी पर एहसान नहीं करता, इसलिए मैं भी तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हें अपना अर्जुन बनाकर मछली की आंख में निशाना लगाना चाहता हूं। मछली की आंख में? जुर्म के समंदर में कई मछलियां हैं, लेकिन एक मछली ऐसी है जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, जो बहुत सी छोटी छोटी मछलियों को खाकर बड़ी हुई है। अगर वो मछली हमारे जाल में फंस जाए तो मैं पूरे समंदर को मीठे पानी की झील बना दूंगा। आपकी बात कुछ समझा नहीं सर। हिंदुस्तान का ये शहर बंबई, जिसे लोग अमन और शांति का स्वर्ग समझते थे, 12 मार्च 1993 को इसे नर्क में बदल दिया गया। शहर खाक में मिल गया, दोस्त दुश्मन बन गए, एक दूसरे पर जान न्योछावर करने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इंसान इंसान नहीं रहा, जानवर बन गया। भाई भाई में नफरत फैलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही पड़ोसी मुल्क है जिसने हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए RDX, AK-56, AK-47, गोला बारूद और न जाने क्या क्या भेजा। वो कामयाब हो गए सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क के कुछ गद्दार उनसे मिले हुए थे। गद्दारों में सबसे पहला नाम है इसका राजा वल्द फकीर चंद। बचपन से ही ड्रग्स के धंधे में लग गया और इसे ड्रग्स सप्लाई करता है भुजंगराव। पूरा अंडरवर्ल्ड इसे भाई के नाम से जानता है। भाई का भी एक बाप है, कुबड़ा। सर, ये तो वही आदमी है जिसने... जानता हूं, ड्रग डील कर रहा था कुबड़ा और फंस गए तुम। ये हरामजादा पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन ईमान हमारे दुश्मन मुल्क को बेच आया। अपने देश की सुरक्षा को दांव पर लगाकर दुश्मनों के हाथ मजबूत करता आ रहा है ये गद्दार। तुम्हें इस आदमी तक पहुंचना है, यही है मछली की आंख। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी सीढ़ी का सहारा लेना होगा। पहले राजा, फिर भुजंगराव और फिर कुबड़ा। इन मुजरिमों तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद भी मुजरिम बनना पड़ेगा। ड्रग्स खरीदना होगा, ड्रग्स बेचना होगा, यहां तक कि खूनी बनकर खून की होली भी खेलनी पड़ेगी। हर वो काम करना होगा जो एक पैदाइशी मुजरिम भी नहीं करता। सर, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन? उसके लिए हमने कहानी तैयार कर ली है। तुम फ्लाइंग ट्रेन के लिए लंदन जा रहे हो। तुम्हारी तनख्वाह हर महीने तुम्हारी माँ के पास भेज दी जाएगी। आज से तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता, ना तुम्हारी कोई माँ है और ना ही तुम्हारी कोई बहन। यहां तक कि अपने प्यार के नाम को अपने हाथ से मिटाना होगा। अगर तुम इस मकसद में कामयाब हो गए तो ये देश और ये धरती हमेशा तुम्हारी कर्जदार रहेगी कि तुमने पूरे देश को तबाह होने से बचाया है। मैं आपसे वादा करता हूं सर, औद के इस सफर में अगर मेरी मां भी मेरे सामने आ गई तो उसकी ममता की छाती पर पैर रखकर मैं आगे बढ़ूंगा। अनजाने में अगर बहन ने कलाई थाम ली तो राखी के उस धागे को तोड़ दूंगा। बात रही प्यार की, जो आदमी अपनी मां और बहन को बुला सकता है, उसके लिए महबूबा का वजूद ही क्या है। जिस तरह कंस को मिटाने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया था, उसी तरह इन मुजरिमों का वजूद मिटाने के लिए तुम्हें सुनील से कृष्णा बनना होगा। सुदर्शन चक्र की बजाय तुम्हें बंदूक उठानी होगी। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कृष्णा रखा है। तो आज से सुनील नाम का इंसान मर गया और कृष्ण ने अवतार ले लिया। इंसानियत के दुश्मन और देश के गद्दार ये जान ले कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शंख बजा दिया। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं सुनील से कृष्णा बन जाऊं, तो मैं बन गया। मेरे हाथों से मेरे प्यार का नाम मिटा दिया गया। एक भोले भाले इंसान को दरिंदा बनाकर जानवरों की इस दुनिया में भेज दिया गया। अब यही मेरी दुनिया है रश्मि। जब तक मैं जहर का कारोबार करने वाले मौत के सौदागरों को खत्म नहीं कर देता, मैं यहां से नहीं निकल सकता। रश्मि, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? चले जाओ अपनी दुनिया में, चले जाओ रश्मि, प्लीज। सुनील, तुमने मेरे नाम को तो अपने हाथ से मिटा दिया, लेकिन मैं तुम्हारे नाम को कैसे मिटाऊं जिसे मैंने अपने दिल पर लिख दिया? अब हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। आंखें मिली और कदम डगमगाए, आंखें मिली और कदम डगमगाए। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? सर, ये लड़की कौन है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि फिक्र मत कीजिए सर, जितना भरोसा आप मुझ पे करते हैं उतना ही भरोसा आप रश्मि पर भी कर सकते हैं। हाँ, कैसी है सर? देखो, मैंने एक दिन तुमसे कहा था ऑपरेशन कृष्णा के खत्म होने तक तुम किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन आज पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं, एक इंसान के नाते कह रहा हूं, तुम अपनी मां से मिल लो। क्या बात है सर, मां ठीक तो है ना? जिस मां का एक ही बेटा हो, वो भी उससे दूर हो, वो ठीक कैसे रह सकती है? मैं आज ही मां को मिलकर आता हूं। कौन? सुनील? सुनील तुम हो क्या? सुनील? क्या है भाई, फिर बेटे का सपना आया क्या? नहीं सकू, अभी सुनील आया था। भाई पहले तुम सोती आंखों से सपना देखती थी, अब तो तुम जागती आंखों से सपने देखने लगी हो। कोई नहीं आया इधर, सो जाओ। मैंने उसकी आहट सुनी। सो जाओ, सो जाओ। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सोचते। प्यारी माँ, जिंदगी भर पुण्य तुमने किए और सारा फल मेरे आंचल में आ गिरा। नहीं समझी? बिल्कुल देवता जैसा पति मिला है मुझे। मेरी हर खुशी का इतना ख्याल रखते हैं कि कभी कभी तो खुश होकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। माँ, एक खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो। भैया से कहना कि ये चाहते हैं कि आने वाले बच्चे का नाम भैया ही रखे। अपना ख्याल रखना और वक्त पर दवाई लेती रहना। सखुबाई को मेरा प्यार देना और कहना तुम्हें कभी अकेला छोड़ के ना जाए। तुम्हारी प्यारी बेटी सुधा। सुनील। माँ, माँ। बेटे, तू कब आया बेटे? थोड़ी देर हुई माँ। मेरे पास आ। इस बुढ़ापे में मुझे छोड़कर कहाँ चला जाता है बेटे? क्या करूँ माँ, खामी कुछ ऐसा है। लेकिन माँ अगली बार जब आऊंगा ना तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ, कभी नहीं। मतलब तू फिर चले जाएगा? जाना तो पड़ेगा ना माँ, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जा बेटे, मगर जल्दी लौट आना, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंखें राह देखती रहे और सासे साथ छोड़ दे। नहीं माँ, ऐसी बातें मत कर, मैं जल्दी वापस आऊंगा माँ, बहुत जल्दी। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? आपकी जान को खतरा है। देखिए ना मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत है, ना मेरा कोई दुश्मन। लेकिन जानता हूँ बेटी, पर नेताजी के बहुत से दुश्मन है इसलिए। ओफो अंकल, आप भी? डैडी डैडी दिस इज टू मच। क्या हुआ मेरी बेटी को? देखिए डीसीपी अंकल क्या कह रहे हैं, आप इनके आदमी मेरे पीछे पूछ बन के घूमेंगे। क्यों डीसीपी साहब, अब आप मेरी बेटी की आजादी पर भी पाबंदी लगा रहे हैं? हम मजबूर हैं सर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जिन आतंकवादियों ने पिछले दिनों आप पर गोली चलाई थी वो खामोश नहीं बैठे हैं, मौके की तलाश कर रहे हैं कि कैसे आपको रास्ते से साफ किया जाए। और आपके इरादे कमजोर करने के लिए वो आपके घर वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। डीसीपी साहब ठीक कह रहे हैं बेटी, जनता की सेवा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कतई अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए डीसीपी साहब की बात मान लो बेटी, इसी में सबकी भलाई है। जल्दी नीचे आ। क्या बात है राजा, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। खुशखबरी है दोस्त, खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? अरे तू बैठ तो सही यार। जिस मंजिल की मुझे तलाश थी वो मंजिल खुद चलकर मेरे पास आ गई। मतलब? कुबड़ा। कौन कुबड़ा? अंडरवर्ल्ड का डॉन, भुजंगराव का बाप। बरसों से मैं उसे मिलना चाहता था लेकिन उस हरामजादे भुजंगराव ने मुझे उस तक पहुंचने नहीं दिया। आज उसने खुद मुझे बुलाया है। कुबड़े से मिलने का मतलब समझता है कृष्णा? कुबड़े से मिलने का मतलब है मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाना। तुम नहीं राजा, मंजिल के करीब मैं पहुंच रहा हूं। ओए बाबा भुजंगदा, आप हमको एक्सक्यूजिंग नहीं भी करेंगे तो हम एक बात बोलेंगे। राजा को इधर देखकर हमको आपका पोजीशनिंग कुछ गौरवार लग रहा है। तो चुप है, मैं तुम्हें तेरी जुबान काट दूंगा। फसली अपना थिंकिंग कीजिए। हाँ, वो कोबरा बाबा आपका अंडरवियर उतारेगा। कोई बाबा, ये तो कोबरा बाबा का राइट हैंडिंग था, इसका भी एंडिंग कर दिया। आइए। किचु नहीं, किचु नहीं, आप यहीं पर रुकिए। थैंकिंग यू। वैसे भी हम आपका मुंह में एंडिंग नहीं करेंगे। क्या कुबड़ा भाई, ये टाइम बहुत दिनों के बाद याद किया। कैसा रहा स्विट्जरलैंड का ट्रिप? अरे आओ राजा आओ, चढ़ते सूरज को देखकर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। आओ। बैठो अपनी कुर्सी पे। लेकिन कुबड़ा भाई इस कुर्सी पे तो मैं तुम बैठते थे भुजंगराव, लेकिन अब राजा बैठेगा। कल तक माल के लिए राजा तुम्हारे सामने हाथ फैलाया करता था ना, अब माल के लिए तुम राजा के सामने हाथ फैलाओगे। लेकिन मेरा कसूर क्या है कुबड़ा भाई? अरे एक हो तो गिनवाऊं? तुम दोनों के झगड़े से नुकसान किसका होता है? मेरा, 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 सिर्फ मेरा। जब जब राजा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तुमने उसकी टांगे काटकर उसे छोटा करना चाहा, मगर ये जिगर वाला छोकरा निकला, तुम्हें ही पटक कर तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठा ये। शाबाश राजा, शाबाश। हमारे इस धंधे में तुम्हारे जैसे जांबाज मर्द की जरूरत है। इस कुर्सी के हकदार सिर्फ तुम हो। कुबड़ा भाई, इस कुर्सी का असली हकदार मैं नहीं, मेरा दोस्त कृष्णा है। अगर वो मेरा साथ नहीं देता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। सच? कहां है वो? कृष्णा! अभी अभी राजा ने बताया कि उसकी कामयाबी के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वहां जाने में अगर बहन ने कलाई थाम ली तो राखी के उस धागे को तोड़ दूंगा। जिसमें जलकर राख हुई है तू। तूने आंसू पी पी कर अपना दर्द छुपाया है, अपनी झूठी खुशियों से मेरा तू। तेरा धर्म सेवा था, औरत थी तू। क्या दिन वो भी था जब तू बनी थी दुल्हन। पवित्र राख को, इस बिचारी के जिस्म को तुम सबने हर रात नोचा खसोटा। अरे अब तो चैन से सोने दो इसे। तुम्हें तो नंगी जिस्म का शौक है ना, तो जाओ किसी गोश्त की मंडी में जाकर बोली लगाओ, कोई और सुलह मिल जाएगी तुम्हारा बिस्तर गर्म करने के लिए। जिसे तुम सुधा के जिस्म का खरीदार समझ रही हो, वो सुधा का भाई है। ये उसका भाई नहीं हो सकता। अगर ये उसका भाई होता तो बकरी की तरह उसे किसी कसाई की दुकान पर ना बेचाता। अरे वो बेचारी तो मर मर के जीती रही और अपने माँ भाई को लिखती रही कि उसका घर स्वर्ग से भी सुंदर है, और उसका पति देवता है, देवता। इसका मतलब करण? हाँ करण, जिसने सुधा कोई नहीं, सुधा जैसी कई बहनों को अपने भाइयों से छीनकर लोगों के बिस्तर पर लिटा दिया है, और उनमें से एक बदनसीब मैं भी हूँ। सुनील भाई मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। नहीं, अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो मेरी बहन सुधा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं सुधा के पाँव पकड़ के माफी मांग लूंगा, वो बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर देगी। प्लीज सुनील भाई प्लीज। वो तुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी, मैं उसे अभी चला कर आ रहा हूँ। इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से तुझे ऐसी बदतर जिंदगी दी कि उसने शर्म और जिल्लत की ऊंचाई से कूद कर अपनी जान दे दी। उसकी मौत की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही है, और जब तक उससे भयानक चीख मैं तेरे मुंह से नहीं सुनता, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। मुझे माफ कर दो सुनील भाई प्लीज, मुझे ऊपर से माफ करना चाहिए सुनील भाई, सुनील भाई प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, मुझे माफ कर दो सुनील भाई, सुनील भाई, सुनील भाई मुझे माफ। तुम करण को मारना चाहते हो? ये लो, और 6 की 6 गोलियां उतार दो उसके सीने में। इससे क्या होगा? क्या तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल जाएगी? वो जिंदा हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुम्हें छुड़ा कर लाया था मैं, जेल की सलाखों के पीछे। करण तो इस शतरंज का मामूली सा प्यादा है, तुम्हें तो उस बादशाह तक पहुंचना है जो बरसों से खेल खेल रहा है। इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखो और उसी तरफ बढ़ो जिस तरफ तुम्हारी मंजिल है। सर, एक बुरी खबर है, आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, उसके बॉडीगार्ड को गोली मार दी है। आतंकवादियों का कहना है कि 1 घंटे में अगर करण को रिहा नहीं किया गया तो वो आपकी बेटी को गोली मार देंगे। मार डालें मेरी बेटी को, चाहे तो उसकी बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दें, लेकिन उस करण को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जा सकता। आप चाहते हैं मैं उस हैवान को छोड़ दूं जिसने इसकी बहन को जीते जी मार डाला? इसकी बहन को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन उस को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरे पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद कर दें, नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने बिजली की बचत के लिए जनता से आग्रह किया है कि जहां तक हो सके बिजली की खपत में कमी लाई जाए। अभी अभी समाचार मिला है कि प्रमुख नेता अमर प्रभाकर की बेटी का अपहरण कर लिया गया है और उसके बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई है। अपहरणकर्ताओं की मांग है कि उनके एक ऐसे साथी को छोड़ दिया जाए जो इस समय पुलिस की हिरासत में है। इस आदमी का नाम करण है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इस अपराधी को कल रात गिरफ्तार किया था। ये एक ऐसे गिरोह का सदस्य है जो भोली भाली लड़कियों के साथ शादी करके उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया करता था। और अब प्रस्तुत हैं खेल। सुनील, देखिए साहब कैसे तड़प रही अपने बेटे के लिए। सुनील, एक बार इस माँ को अपने बेटे को देख लेने दीजिए साहब जी। हेलो, हेलो, अरे कुछ तो बोल मेरे बाप। लगता तेरा फोन है। अब फोन आएगा तू उठाना, मैं उठाने वाला नहीं हूँ। हेलो, मैं भुजंग बोल रहा हूँ। राजा को फोन दो। तुम्हारे लिए भुजंगराव का फोन। हाँ बोल। माल मिलेगा क्या राजा साहब? कितना माल चाहिए? वही 10 किलो। कब चाहिए? जितना जल्दी हो सके। ठीक है, आ जाना रेलवे यार्ड पर ठीक 10 बजे। ठीक है राजा साहब। हुआ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। शिकाराने का वक्त हो गया है। जैसे राजा ने बैग खोला ना, सीधा गोलियों से भून देना। पार्टनर कृष्णा तेरे साथ नहीं आया? मतलब की बात कर, ऐसे लेकर आया? गोली चला, खोटे गोली क्यों नहीं चला रहा है तू? अरे गोली चला, खोटा गोली चला। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना राजा, आज भुजंगराव ने हमें फिर धोखा दिया। तूने आज मेरी पीठ पर फिर छुरा भोंकने की कोशिश की, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? राजा देख, मैंने मार डाला। राजा कम ऑन डैम इट, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। चल चल, होश में आ राजा, चल। सिट डाउन राजा, चल जल्दी रश्मि, जल्दी बू। देख बाहर क्या करती जमाए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई पुलिस वाले की माँ मर गई है, उसकी मैयत जा रही है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। मौत के इस सफर में अगर मेरी माँ भी मेरे सामने आ गई तो उसकी ममता की छाती पर पैर रखकर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा किया, अरे बहुत अच्छा किया कि भुजंगराव को मार दिया। मारना ही पड़ता है, जब इस धंधे में आगे बढ़ना हो तो रास्ते में जो आए ना उसे हटा देना पड़ता है। भुजंगराव को मारकर तुम दोनों का फायदा हुआ है ना? हा? लेकिन जो नुकसान मेरा हुआ है उसे कौन भरेगा? तुम भरोगे, तुम भरोगे, तुम दोनों भरोगे मेरा नुकसान। कैसा नुकसान? 7 करोड़। कौन सा 7 करोड़? भुजंगराव ने मुझसे 7 करोड़ रुपया लिया था उधार। पेमेंट मेरे पास आने से पहले ही तुम दोनों ने उसे खचाक मार डाला। अब वो पेमेंट कौन करेगा मुझे? हा? तुम करेगा, तुम दोनों करोगे वो पेमेंट मुझे, और वो भी 24 घंटे के अंदर। तब तक ये सेक्सी मेरे पास रहेगी। ये भी, अरे जाओ जल्दी जाओ, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत हो चुका डीसीपी साहब, इतना तो उस कृष्ण ने महाभारत में नहीं खोया होगा जितना सुनील से कृष्णा बनकर मैंने खोया है। अब तो मैं सोच रहा हूं कि जेल की वो जिंदगी बेहतर थी या यह जिंदगी जो आपने मुझे दी है। जेल में पड़ा रहता तो वो सब कुछ तो नहीं करता जो आपने मुझे मजबूर किया है करने के लिए। इन हाथों को देखा है आपने, इन्होंने कभी एक चींटी को भी नहीं मारा है, और आपने इंसानों के खून के साथ होली खेलने के लिए मजबूर कर दिया इन्हें। जहर, ड्रग्स बेचा मैंने, न जाने कितने मासूमों की जान लेने पर मजबूर कर दिया आपने मुझे। मैं तो समझता था कि इंसान का मुकद्दर आसमान पर बैठा भगवान लिखता है, लेकिन मेरा मुकद्दर तो लिखा है आपने, वो भी काली स्याही से नहीं, लाल खून से। मेरे आंखों के सामने लोगों ने मेरे बहन के जिस्म को छुआ, हाथ लगाया। अगर उस वक्त चाहता तो उनके हाथों को उनके जिस्म से अलग कर देता, मगर मैं मजबूर था। आपकी वजह से, आपकी ऑपरेशन कृष्णा के वजह से मेरे आंखों के सामने मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली, और मैं उसे बचाने के लिए अपने हाथ भी नहीं बढ़ा सका। मां से वादा किया था वापस आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, पास आना तो दूर, मैं उसकी आरती को कांधा भी नहीं दे सका, आखिरी बार गले लगाकर रो भी नहीं सका। जीने का एक ही सहारा बाकी था, रश्मि, वो भी दाव पर लग गई। उसकी जान की कीमत 7 करोड़ रुपए लगाया कुबड़ा ने। कहां से लाऊंगा मैं वो 7 करोड़ रुपए? कौन देगा मुझे? मैं दूंगा। इस पैसे के बदले अगर तुम समझते हो कि कुबड़ा तुम्हें तुम्हारी महबूबा वापस कर देगा, तो तुम कुबड़ा को अच्छी तरह नहीं जानते हो। वो एक गिरगिट की तरह है, कभी भी रंग बदल सकता है, होशियार रहना। थैंक यू सर। किशन कन्हैया आओ, मैं जानता था तुम अपनी महबूबा के लिए आओगे तो जरूर, मगर यह नहीं जानता था उसके लिए 7 करोड़ रुपए लेकर आओगी इतनी जल्दी। तूने कभी मोहब्बत नहीं की कुबड़ा, रश्मि के लिए 7 करोड़ तो क्या, तू अगर 70 करोड़ भी मांगता ना तो मैं लाकर तेरे मुंह पे फेंक देता। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू अपना वादा पूरा कर। कपूर इतनी जल्दी भी क्या है कृष्णा, वादा तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है। कैसा सवाल? 19 अगस्त, हाँ 19 अगस्त 1993 सुनील नाम का एक पायलट राजस्थान बॉर्डर पर एक ड्रग डील में पकड़ा गया था। उसे 7 साल की सजा हुई थी, तिहाड़ जेल वो भेजा गया था। उस सुनील के बारे में तुम क्या जानते हो? कौन सुनील? कुछ दिनों बाद सजा पूरी होने से पहले ही उस सुनील को किसी ने जेल से रिहा करवा दिया, और मुझ तक पहुंचने के लिए उसी सुनील को इस्तेमाल किया गया। उस दिन सुनील मर गया और कृष्णा ने जन्म लिया। तू उस कृष्णा को तो जानता ही होगा। हाँ? मैं ऐसे किसी कृष्ण को नहीं जानता। अब मैं बताता हूं तुझे, उस कमबख्त मिनिस्टर प्रभाकर ने तुझे सुनील से कृष्णा बनाया। 7 करोड़ तेरी झोली में इसलिए फेंके ताकि तू वहां पहुंच सके जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। अब मैं बताता हूं तुझे, तुझे सुनील से कृष्णा इसलिए बनाया गया ताकि तू ये चाबी हासिल कर सके जिसके पीछे उस हरामजादे मिनिस्टर का मुकद्दर कायद है। और तू वही सुनील है जिसे कृष्णा बनाया गया। तूने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया कुबड़ा, लेकिन ये नहीं जान पाया कि कृष्णा बाल काते काते तब तक नहीं थकता जब तक उसका दुश्मन थक नहीं जाता, जैसे तू थक चुका है। अब मेरी बारी। मैंने अभी अभी फायरिंग की आवाज सुनी है। आई आस्क फॉर द पुलिस फोर्स, व्हाट हैपेंड टू दैट? ये सच है, मेरा नाम कृष्णा नहीं सुनील है। ये सच है कि मिनिस्टर ने मुझे जेल से छुड़वाया था, उसी ने मुझे सुनील से कृष्णा बनाया। सुनील से कृष्णा मैं इसलिए बना ताकि तुझ तक पहुंचकर मैं दुनिया के नजरों में अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। मैं तो उसी दिन तेरे हाथों को काट कर फेंक देता जिस दिन तूने मेरे बहन के जिस्म को छुआ था, लेकिन उस दिन मैं मजबूर था। आज मैं मजबूर नहीं हूं कुबड़ा, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं कुबड़ा, नहीं हूं। तुझे सुनील से कृष्णा इसलिए बनाया गया ताकि तू ये चाबी हासिल कर सके जिसके पीछे उस हरामजादे मिनिस्टर का मुकद्दर कायद है। दादी, आप पागल हो गए हो? इस तरह से क्यों हंस रहे हो? बेटी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं उन पागलों पर हंस रहा हूँ जिन्हें हिंदुस्तानी कहते हैं। मेरी ऐसे जय जयकार कर रहे थे जैसे मैं उनका भगवान हूँ, लेकिन उन्हें क्या मालूम प्रभाकर आदमी नहीं, जहरीला सांप है। बेटी, अब तुम्हें छिपकर जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन बेवकूफों को यकीन हो गया है कि वाकई मेरे दुश्मनों ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। हिंदुस्तान की जनता को कोई ताकत से नहीं जीत सकता, जीत सकता है तो सिर्फ आंसुओं से। लेकिन डैडी, जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी किडनैपिंग एक हकीकत नहीं नाटक है तो वो दिन कभी नहीं आएगा बेटी। वो दिन आ गया है प्रभाकर। हिंदुस्तानियों को बेवकूफ समझने वाले अब चुप क्यों हो गए? लगाओ कह कहा, लगाओ। तमीज से बात कर डीसीपी, मैं इस प्रांत का चीफ मिनिस्टर हूं, कल शपथ लेने वाला हूं। कल शपथ तू नहीं जनता लेगी। देश में छुपे हुए तुझ जैसे गद्दार नेताओं को पीठ बाजार गोली मार दी जाए। डीसीपी क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरे साथ शामिल हो जाओ, जिंदगी बना दूंगा तुम्हारी। पहले तू अपनी सोच प्रभाकर, जिसकी जिंदगी खुद मेरी बंदूक के सामने गिड़गिड़ा रही है। बेवकूफ हिंदुस्तानी। अमर प्रभाकर जिंदाबाद, अमर प्रभाकर जिंदाबाद, अमर प्रभाकर जिंदाबाद। अब मैं प्रभाकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। मैं अमर प्रभाकर शपथ लेता हूं। मैं अमर प्रभाकर शपथ लेता हूं कि अपने देश और देश के संविधान के लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान होते हुए मुख्यमंत्री पद के दायित्व को निभाऊंगा। छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। प्रभाकर नहीं, नहीं छोड़ दो मुझे। तू नहीं बच सकता प्रभाकर, मैं बच सकता हूँ। Hey! Hey! Hey!